आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय 26वें श्लोक की गहराई में उतरेंगे। इस श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता पितामह चाचा भाई शिक्षक और मित्रों को देखा। यहाँ की सेनाएं हमारे मन की विभिन्न वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ के पिता और शिक्षक हमारे अच्छे और बुरे संस्कार हैं। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं हमें अपने इन आंतरिक शत्रुओं और मित्रों का स्पष्ट दर्शन होता है। ये वही क्षण है जब हमें तय करना होता है कि हम किससे जीतना चाहते हैं और किससे हारना। ध्यान ही वह उपकरण है जो हमें इस आंतरिक युद्ध में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से ही हमें अपनी आत्मिक और अपनी भौतिक वृत्तियों को समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो मित्रों, इन श्लोकों का संदेश ये है कि जब हम अपनी आत्मिक यात्रा में निकलते हैं हमें अपने आंतरिक शत्रुओं और मित्रों का सामना करना ही होगा, और जब हम उनका सामना करते हैं तभी हम उन्हें परास्त कर सकते हैं। नमस्ते।